नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान। जी हाँ जी, कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान आपको कैसे लिखना है, तो सबसे पहले आपको जो है प्रश्न क्रमांक एक के उत्तर डाल लेना है, और जो है प्रश्न क्रमांक एक के कुछ इस प्रकार से आपको जो है उत्तर से लिख देना है। उसके बाद में जो है प्रश्न क्रमांक दो के उत्तर आपको लिख देना है कुछ इस प्रकार से। फिर उसके बाद में तीन और चार आपको कंप्लीट कर लेना है। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर आपको जो है आंसर्स लिखते जाना है। उसके बाद में ये आंसर्स कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं। फिर पांचवा नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि लैंगिक और अलैंगिक में क्या अंतर है, तो आपको इस तरह से कहीं ना कहीं दो नंबर के लिए दो अंतर कम से कम दे देना है। और जो है दो नंबर वाले क्वेश्चनों के लिए कम से कम दो अंतर तो आपको देना होगा, और दो या तीन से लाइन आपको इस तरह से कवर करनी होगी। उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से बढ़िया डायग्राम बना करके यहाँ पर जो है आप प्रभाविता के नियम को बता सकते हैं। आपको इससे अच्छा आपकी यदि किताब में मिलता है तो आप किताबों से ढूंढ करके या गाइडों से ढूंढ करके लिख सकते हैं, नहीं तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं। और जो है इसका एक बार पुनर्अवलोकन आप जरूर कर लीजिएगा, एक बार अपनी गाइडों में या किताबों में ज़रूर देख लीजिएगा, फिर इसे लिखिएगा। क्योंकि मैं ये एडवाइस इसलिए आपको देता हूँ कि कई बार जो है आंसर्स बनाने में गलती भी हो सकती है। यदि कोई गलती हुई है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बेसिकली यदि आपको कोई डाउट है या किसी विषय पर या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिएगा, इस तरह से जो है आपको प्रश्न क्रमांक 11वां भी लिख लेना है, और फिर उसके बाद में 12वां भी जो है कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा है आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर जो है आप जो है कोशिश ये कीजिएगा कि लाइन के ऊपर आप इस तरह से नीचे ऊपर मत लिखिएगा, बल्कि लाइन के नीचे यहाँ पर ऐसे लिखने की कोशिश कीजिएगा। बात करते हैं कुछ इस तरह से, जैसा कि प्रश्न क्रमांक 13 आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 14 की बात करें तो डीएनए में आप यहाँ पर जो है लिख सकते हैं डीएनए के बारे में। उसके बाद 15 नंबर में भी आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। 17 नंबर में डीएनए और जो है आरएनए में अंतर आपको देखने को मिल जाएगा। 4 नंबर के लिए कम से कम 4 अंतर आप जरूर कीजिएगा, मैं तो यह कहता हूँ कि आप 5 अंतर भी कर लीजिएगा। उसके बाद 18वां नंबर भी आप देख लीजिएगा, और 19वां नंबर भी आप इस तरह से कर सकते हैं। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके जो है कहीं ना कहीं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मित्रों। तो चलिएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए गुड बाय।